सिद्धार्थनगर में आज पीस पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन हाइप कॉम्प्लेक्स में संपन्न हुआ, जिसके मुख्य अतिथि सैयद राशिद उमर मदनी रहे। वहीं विशिष्ट अतिथि अरबाब फारूकी रहे। वहीं अब्दुल रहमान नूरी ने बताया कि पीस पार्टी अमन व शांति वाली पार्टी है, ये सभी मजहबों को लेकर चलने वाली पार्टी है। ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को साथ लेकर चलती है। एक एक कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्र में काम करे जिससे पार्टी मजबूत बने। वहीं पीस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सैयद राशिद उमर मदनी ने कहा कि बूथ स्तर पर कमेटी बनाई जाए, हर कार्यकर्ता जनता को पीस पार्टी की नीतियों को बताए कि एक वोट का क्या महत्व होता है। हम सबको एक प्लेटफॉर्म आजाना चाहिए। कब तक दूसरे के झंडे के नीचे रहेंगे? अब हम दूसरे का झंडा नहीं उठाएंगे, अब हम अपना झंडा उठाएंगे। उपस्थित कार्यकर्ता मौजूद रहे। सिद्धार्थनगर से संवाददाता नियामतुल्लाह की रिपोर्ट। बैठक में मेन जो मुद्दा है कि हमें संगठन को मजबूत करना है, हर गांव हर दरवाजे संगठन को पहुंचाना है, लोगों को पहुंचना है, और पीस पार्टी का उद्देश्य जो है लोगों तक पहुँचाना है कि पीस पार्टी का उद्देश्य इस मुल्क में एक है, सिर्फ न्याय, सिर्फ न्याय। आज हमारे देश के अंदर सब कुछ है, किसी चीज़ की कमी नहीं, सिर्फ नहीं है तो न्याय नहीं है, इंसाफ नहीं है। पीस पार्टी वो इसी इंसाफ के लिए कोशिश कर रही है और आज की बैठक में यह इंसाफ देने वाले बन जाए।